हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको। फार्म पे मैं पहुंच गया हूँ, बाकियों का वेट है अभी। तो अभी आज उम्मीद है कि हमारे आखिरी दो बकरे भी जो हैं वो निकल जाएंगे, फिर हमारी ये जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज सोच रहा हूँ मैं कि ये जो है ना अपना जो एक्वेरियम है इसका कुछ किया जाए। कल से वैसे क्लियर लग रहा है, फ़िल्टर साफ़ किया था हमने इसका, लेकिन पानी भी येलो येलो टाइप सा है इसका। तो पानी इसका चेंज करके आज देखते हैं। बाकी आज कबूतरों के केजेस की है सफाई, टोटल जो है सारा गंद वगैरह इनका निकाला है। तो गर्मी थोड़ी कम होती है ना, तब तक बाकी भी पहुंच जाएं तो फिर निकलते हैं बाहर। असल में ना जब तक आप चीज़ रख नहीं ना लेते तब तक आपको उसकी टोटल समझ नहीं आती। जैसे एक्वेरियम हमें लगा था कि जी बहुत इजी काम है, ले लिया रख लिया, वो काम नहीं है। ये रख के अब हमें पता लगा कि ये मछली उसको मारती भी है और ये वाली मछली रखनी इजी है, ये मुश्किल है। थोड़ा बहुत आइडिया हमें इसका हो गया है। अब गंदे का भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हमें हो जाएगा कि जी कैसे जो है ना इसको ज़्यादा देर तक जो है ना साफ़ रखा जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे ये भी सारा। कुत्तों के मामले में तो इतने साल हो गए हैं, मुर्गों को, कबूतरों को, वो तो सारा कुछ जो है ना हमें आइडिया है कि जी उनकी जो सारी छोटी मोटी और सारी चीज़ें हैं ना वो समझ आ जाती हैं हमें। जो है ये एक्वेरियम हो गया, ये भी हमारा नया नया शौक़ है। पहले बचपन में रखा होता था, उस टाइम तो पता भी नहीं होता था, बड़ी सफाई वगैरह या सारा कुछ क्लियर कर देते थे, हमें करना नहीं पड़ता था। अब खुद रखा है तो खुद करके जो है ना अब एक दो महीने लगेंगे हमें मैक्सिमम। इसकी टोटल जो है ना हमें समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ किस तरह होती है। तो बकरों का भी जो है ना हम लोग शाम को हिसाब किताब लगाएंगे कि भाई कुछ बचा भी है कि सिर्फ शौक़ ही पूरा हुआ है। शौक़ भी पूरा हो जाए कोई नहीं, उसके अंदर इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो तो है हमारा शौक़। वो बकरे रखे हुए थे, उनका जो है ना पालना, उनको देखना, वो उससे जो है ना शौक़ पूरा हो जाता था हमारा। पैसे बचें ना बचें वो बाद की बातें हैं। तो अब इंतज़ार ही है बाकी सबका, तो वो आएँ तो बाकी सारे मामलात करें। हमारे ना कमेंट्स के अंदर और मैसेज हमें आ रहे थे कि हमें जो है ना वो क्या कहते हैं डायनासोर चाहिए। तो बच्चे जो है ना थे, हमने कहा यार इनसे पैसे हमने अब क्या लेने हैं। तो उनका हमने कहा कि भाई आ जाओ, आके जो है ना ले जाओ डायनासोर। तो वो बच्चे पहुँचे हैं इधर, तो अब हम उनको जो है ना देंगे डायनासोर, वो भी अपना शौक़ करें पूरा। चलते हैं अब हम लोग अपने डायनासोर के पिंजरे की तरफ। ये है जी अपना डायनासोर, ये जा रहा है बच्चों के साथ। आजा आजा आजा। ये आ गए जी, ये पलेगा इनके पास। जब बड़ा होगा फिर इनसे कहेंगे यार हमें कोई तस्वीर वीडियो भेज दिया करो कि कैसा बना है ये, देखते हैं कैसा। हाँ, बाकी भी जो हैं अभी फ़िलहाल जो है ना गर्मी में सड़ रहे हैं। सारी वीडियो देखते हो हमारी, वीडियोज़ हमारी सारी देखते हैं, इनके कमेंट भी बहुत आते थे। फिर हमने कहा कि इनको जो है ना हमने ये डायनासोर गिफ्ट ही कर देना है। एक्वेरियम जी हमने कर दिया है खाली, फ़िल्टर द्वारा कर दिया है वॉश। अब इसके शीशे पे हल्का सा पानी वो क्या कहते हैं कपड़ा मार के ना फिर दोबारा पानी भर देंगे इसके अंदर, पर देखते हैं कि इसका क्या बनता है। पानी हम लोगों ने कर दिया इसका चेंज। लाइटों का हम लोगों ने ना सफाई करते हुए स्विच तोड़ दिया है, अब सिर्फ खुली तारें हैं वो लगाता फिर रहा है अरुण। एक पॉइंट ये थे वैसा ही हो गया जैसा पहले दिन था। ये हल्का सा अंदर जो है ना वो आ रहे होंगे अभी पार्टिकल्स से, वो भी फ़िल्टर हम लोगों ने 2 घंटे चला के दोबारा एक बार वॉश करके फिर रख देना, फिर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। राणा साहब भी पहुंच के लाश बन चुके हैं, क्योंकि ये गद्दा ही लाश वाला है। अब नियाजी है और उसका वेट करते हैं उजैर का। हमने ना अब प्रोग्राम बनाया था कि हमने ना शाम के टाइम कुछ हल्का बहुत खाया करना है, तो आज का जो मेन्यू था ना उसके अंदर था अपना भल्ले। हरून साहब अपने हाथों से बना के लाए हैं, अब देखते हैं कि कितने के मज़ेदार होते हैं। कहता है कि मेरे हाथ जैसे भल्ले कोई ज़िंदगी में बना नहीं सकता। नियाजी भी पहुँच गया है, उजैर भी पहुँच गया है। अगर ये मज़े के ना हुए ना तो हम डोई इसको दे देंगे। अपना जो है ना जेन्युइन दूंगा फीडबैक, अच्छे होएंगे तो मैं अच्छे कहूँगा, माड़े हुए तो मैं इसको रील करके कहूँगा माड़े। अगर ये तूने खुद ना अच्छा शुक्र अल्लाह का नहीं करना या माड़े या चंगे हैं यार, माशाल्लाह मिल गए बैठे बैठे चीज। यार मेरी बात सुन, ये तूने ना शुक्रिया यार, शुक्र है इनके सामने और आगे इसका मुंह बांधो इस वाले का। शुक्रिया दाद तो नेट तो चल रहा है, आ रहा कुछ और आ रहा है। नियाजी का मुंह बंद कर दे, और लेने के यार नियाजी की बातें सुन के जो है ना ये गरम-गरम कुछ गरम-गरम है। पकौड़े लग रहे हैं मुझे, चिकन पकौड़ा लग रहा है मुझे, विंग्स लग रहे हैं मुझे। कुछ तो है। चिकन स्टीम। इन्होंने जो है ना पतले होना था। ये हमारे मेन्यू का ऐसा नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री दिया उसने पल्लों के साथ। अच्छा यार कल्ले पल्ले खा करने। हाँ ये भी है यार। हम लोग एक्वेरियम साफ कर रहे थे ना तो मक्खियां अंदर घुस गईं। अब वो कभी कान पे बैठेंगे, कभी कभी कान पे बैठते भी। उन्हें वो लगाया हुआ है लेकिन अंधेरा होगा तो वो कोई काम करेगा। यार गंदी बात में क्या कर, वो टूने वाला बड़ा मुश्किल काम है बीच। चलो भाई हम अपनी बच्चा मुर्चा अपने को यार नेरा करते हो ज्यादा। तो अच्छी खासी वीडियो बना। दूसरे पिंजरे के लिए ना हमारा मिस्त्री जो है हमें गेड़ा दे गया है, तो हमने सोचा भाई एक तो बन गया, उसके ऊपर ये अपना हट वाला रखते हैं। अनार भी खुले होकर रहेंगे यहाँ पे, और हमारा पिंजरा भी यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा। उसकी अब कनेक्शन वगैरह काटे हैं बिजली के, वो करके जो है ना उसको अलहदा तो फिर उधर रख के तो फिर चलाते हैं। कबूतरों में आज अंधेरा ही है, उसकी लाइटें अभी चलाई नहीं है, उन्होंने सफाई कराई थी आज। कबूतरों की भी छांटी करने वाली हुई है, कुछ हुआ है। ये तो खुल गया है, मिट्टी निकालनी पड़ेगी। सारा जोश है मिट्टी की, अगली पट्टी के लाओगे वो सही निकलेगी। कील चाहिए ब्रो। नियाजी को कह, नियाजी देखिए, नियाजी कील चाहिए। ये टूट जाएगी है, टूट गया ना पिंजरा। मैंने कहा था ना, मैंने भी कहा था गल जाना है। मिट्टी पे पड़ा है, मिट्टी पे नहीं पड़ा, ईंटों में पड़ा है, जमीन पे नहीं है। वो ये 12 साल पुराना पिंजरा है, अब भी ना टूटे। नियाजी कील चाहिए, कील चाहिए। नहीं दूंगा कील दे। नहीं आइसक्रीम नहीं, नॉट अलाउड है। ये इसको पड़ा रहने दो ना, छेड़ो। नहीं इसको तो रखना है यार, वो पड़ा इससे ना बना, बहुत बुरा लग रहा है वो। नहीं खाली करके खा यार। जब एक जगह पे पड़ा होगा ना उस पर हम ठोक देंगे तो फिर ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो उसके ऊपर उसकी स्टोरी बनी अच्छी लगेगी कि ये बड़ा अच्छा लगेगा। मिस्त्री गेड़ा करा आगे, मिस्त्री आ ही नहीं रहा, हम क्या करें अब। यार आज ये अपने चीटे चूटे ला गए हैं इस मिट्टी पे, छोड़ो पैकेट्स खाए अंदर। मैगट मुगट नहीं होने इसके अंदर यार, मैं नहीं छोड़ा। शिकरा आ जाता इधर ना, तो कील देता ना, तो चूजा छोड़ता। तो चाहता क्या है, घाटा घाटा पड़ेगा। उन दो उसने डाइवे मारी उस दिन, बड़े हुक के बचा के मैंने बंद किए। इस टाइम कहाँ होना शिकरा, छोड़ दे। इन्होंने वैसे भी मिट्टी खिलार नहीं है, रहन दो। यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे वापस। yes. वो वाले पेड़ का शौक है हमारा, हम रोहा मुर्गा निकाल दो। निकाल बाहर निकाल दो, बाहर निकाल। ये वहाँ पकड़ा नहीं जाता। वही लड़ रहा था। हाँ साइड पे हो रहा, खुद ही आएगा बाहर। आ जाओ बाहर, आ जाओ। सामने से पीछे हटोगे तो आएगा। हम कह रहे हैं दिल दिया गल्ला कर बांग छोटी कर ली है। अच्छा रेत ने बच्चे देते हैं। नहीं क्या बात की है तुमने? दौरे में आपकी बातें कर रहे हैं यार। मैं बात ही कर रहा कि तुम डाल रही होती है मतलब बेजे नहीं साइड में इतनी जा रही हो यार। नहीं इसका कोई हिसाब लगा यार। किसका? इसका इसका लास्ट करेंगे। इसका प्रमोशन का फार्मूला लग यार। इसका इलाज है। मैंने जुत्ती मारनी मेरी उधर नहीं मार आराम से है। अंदर दुआकड़ी भी वही यार यार। लेकिन अद्धा दवा की मैंने 25 लाख रुपए की याद कर तार निकाल ली। ये बड़े तरीके से नीचे से हाथ डाल के उठाना पड़ना, ऊपर से हाथ से नहीं उठना। ये सारी फटकियाँ नीचे से खिल रही हैं। इसको उल्टा करके एक बार कील तो लगाने पड़ेंगे। नहीं अभी कील में नहीं दूंगा। इसका हाइपरलैप्स भी होगा। पिंजरा जा रहा है जी ऊपर। जो जगह से टूटा था वहाँ हमने ग्लू लगा के तो रख दिया। अपने बदन से जुड़ जाएगा ये, क्योंकि वो फटे बीच में से फटे थी। फ्रंट से सुराख ना छोड़ो, फ्रंट से आगे ले आओ, पीछे से सुराख छोड़ दो। जो चीज़ रखेंगे वो यहाँ से अंदर चलेगी, वहाँ निकालनी किसने। भाई यहाँ ठीक है। बन गया नहीं आएगा ही नहीं। अब ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं है क्या? ये जो तुम लोगों की तरेड़ है इसको उसकी जगह पे बैठाओ एक दफ़ा, ताकि ग्लू जब पक्की हो तो वहाँ पक्की हो जाए। बात ठीक है। थोड़ी ये सूखी मिट्टी लाएगी ना। नहीं कुछ ना कर, कुछ ना कर, कुछ ना कर। अब रेत डालो इसके अंदर। डाल दो रेत से क्या होना है? कौन सा हलाना है? मुझे गारा है जितनी गारा। न्याजी कहना सारे हरबे ख़राब हो गए हैं। इसने मुर्गा भी छोड़ के देख लिया, फिर भी इस बेचारे को ना मार पड़ी जा रही थी। सही कटिंग सही होगी। इसी शेप अच्छी बन गई यार। किलो नार तारीख किलो नार चाहिए। सैंपल कटिया वा बोली बाद में लगेगी। इसको जो है ना हम छोड़ेंगे लहदा पिंजरे के अंदर। नहीं बल्कि ये सिर्फ 200 रुपया डेली है। अगले ताहिया 1 किलो सारी। अरे कितनी बुरी लग रही है तार। ड्रिल मारते तो कितनी अच्छी लगनी थी। इन्हें चादर मार मारी डायनासोर। वो जो मुर्गी बैठी है मुर्गा मुर्गा ये भी हो सकता है जो वाइट मर गया। जो अपना उधर फ्लैक्स के ऊपर बनता होता है, फ्लैक्स के ऊपर आपकी तस्वीर बनवा लें। वो अगर फ्रेम का लगाया तो वो लगेगा ऐसी कि वो असल तस्वीर है। हां क्या वो पता लगेगा फ्लैक्स है। पता लगेगा फ्लैक्स है। फ्लैक्स दो किस्म की होती है ना, एक स्टार फ्लैक्स है और एक नॉर्मल फ्लैक्स है। जो स्टार फ्लैक्स है ना वो एक स्टार से भी ऊपर वाली की टेक्नोलॉजी आई है। वो है थोड़ी सी महंगी, लेकिन वो देखने में सही लगता है कि जेन्युइन तस्वीर है। जेन्युइन तस्वीर है तो क्यों ना उस वाले फ्रेम को हम लोग ये दरवाजे के रंग का करके उसके अंदर अपने चैनल का नाम और सुपर यूनाइटेड फार्म वगैरह इस तरह के लिख के तो वो यहाँ पे लगा दें। डिजाइन कर लो उसका, प्रिंट करवा लेंगे। डिजाइन तो कर लेंगे बैठ के, इधर ही बैठ के हो जाना है डिजाइन। प्रिंट कौन निकलवा के देगा? निकलवा देगा। चल फिर अपना डिजाइन फाइनल करते हैं। डिजाइन बना लो और ये फ्रेम साथ दे देंगे। इसमें फिक्स करवा के मंगवा। हां फिक्स करा के। लेकिन उसके पहले फ्रेम का एक मसला पता क्या है? क्या है? इस फ्रेम की जो सिर्फ फ्रेम की बॉर्डर की चौड़ाई है ना 5 इंच चौड़ा बॉर्डर है। तो कोई नहीं, इतनी बड़ी दीवार है यहाँ पे लग जाएगा। 5 इंच उसे गई छोड़ के वो बनाए। 5 इंच तो लकड़ी है, तो लकड़ी तो कहती है लकड़ी तो लग जाना है। फ्रेम ब्रीक हो ना वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये बहुत चौड़ा है, पीछे 5 इंच का बॉर्डर छोड़े ताकि हम उसको छोड़ देगा वो नीचे देके इसको लगा दें। जो इसके अंदर अंदर वाला साइज है ना उसके अंदर ही उसने डिजाइन करनी है। उसके बाहर एक स्केल बॉक्स बनेगा लाइन का। हमने इसके पूरे के साइज की बनवानी है। पहले तस्वीर को सेंटर कर दे, बॉर्डर लगा के ना पीछे 5 इंच छोड़ के ना फ्लेक्स वाइट बॉर्डर लगा दो। वो ऐसे ही करेगा। जो तू बात कर रहा है ना कि इतनी लकड़ी नहीं होती, जब लकड़ी को उन्हें सारी को उसके बॉर्डर और प्लस लकड़ी को एक कलर का पेंट कर देना तो वो एक ही बॉर्डर बन जाना है और वो प्यारा लगेगा। इसको छेड़ के काट कूट के छोटा करते ही उन्होंने गल पड़ जाना या ये फिर अच्छा नहीं लगना, क्योंकि एक सीनरी के अंदर मेन पैसे तो सारे उसी के होते हैं फ्रेम के। वो बता के तो गया कहता 8-9 हज़ार का ये खाली फ्रेम है, बेचना दें इसको। बेच के जो है ना बिक गए ना अभी सब बेच दिए। ऊपर से कच्चे अनार खा रहा है इसलिए उसने बेच दिए। लोग चीजें अपनी सारी सेल करके जो अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, ये कच्चे अनार खा रहा है ना अभी। कैश पेंडिंग है, कैश आ जाएगा सारा। वो जिस जगह से होके हुए हैं ना वहाँ से रुकते नहीं है। हाँ मुझे आया था फोन, जब उठाने आया था अगर पास है कहता हाँ जी, मैं चलो अल्लाह पाक मान सीखना करे ले लो बट ठीक है। बाकी जो है बाकी एंड वाले 2 भी हमारे बुक हो गए हैं। अब हम लोग वेले बैठे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाए, उसके ऊपर हमारी बहुत लंबी डिस्कशन होगी। वो हम व्लॉग में नहीं डाल सकते होंगे, उसके अंदर जो है ना ये लोग बहुत बकवास भी करते हैं यार। यार इतनी बात कोई नहीं, आउट भी यही करेगा यार। इंडिया वाले दिन मैंने कहा था अच्छा खेलेगा, आज तो उसकी वो छोटी टीमों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता ही नहीं है। उसके खिलाफ ये छिक्का भी किस तरह का है, एज लगा देखिए सर, खेली की तरह शॉट गई की तरह है। नहीं उन्होंने पूरी ऊपर ही मारी यार। मुझे तो उम्मीद ही नहीं है इनसे। ऊपर हमारा कप्तान खुद कह रहा है कि छिक्का बंदा के पायर को देख कह लेने देखे क्या है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या बंदा ने किया है। बंदा ठीक है यार, 2 ही तो प्लेयर है, एक बाबर आजम एक हारिस रऊफ। डबल कर लिया और वाइड से चौका भी खा लिया तेरे का। वाइड से चौका नहीं खाया, वो कीपर छोटा तुम लोग का, या तो बड़ी हाइट का लेके आओ या जैसा फुट रिजवान और लगवा लो। शूज है हमने उसके अंदर छोड़ दिए हैं जो लड़ते थे, इनको मार पड़ती थी ना। और ये सीनरी के लिए भाई आए हैं, ये हैं आर्टिस्ट। इन्होंने हमें अच्छी सी पेंटिंग बना के देनी है जो हम अपने यहाँ पे ऑफिस के अंदर लगाएंगे। न्याजी ने अपनी तरफ से बड़ा अनार काटा था, तोड़ा था। उजैर ने कहा कि जी वो है पका हुआ है लेकिन ये कच्चा है। मैं तो कहता हूँ अभी इनको महीना और ना तोड़ा जाए, है न्याजी। बाकी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक होता है लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना इसको। और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।